हाय बच्चों, बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है बिकॉज इस टाइम पे आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि क्यों ना हम किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें, ड्रॉप करें या ना करें, अगली बार सीट आएगी या नहीं आएगी। और आपको लग रहा होगा इज इट वैल्यू फॉर मनी और नॉट कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो थोड़ी ज़्यादा है। तो इस लेक्चर पे मैं आपको इंडिया की टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सबके बारे में बताने वाली हूँ और उनकी फीस के बारे में भी आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमेशा याद रखिए कि यार गोल तो ठीक है बट इट इज अबाउट ग्रोथ। क्या आप ऐसा करते हो कि आप ग्रो करके अपने गोल तक पहुंच पाओ। चलो सो देखिए इंडिया में कितने टाइप्स की यूनिवर्सिटीज है। इंडिया में जो यूनिवर्सिटीज हैं वो बेसिकली इन टाइप की यूनिवर्सिटीज हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ओन करती है, उनको हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कहते हैं। जो टोटली प्राइवेट होती है जिसमें गवर्नमेंट बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाती है उनको हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कहते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट ओन होती है हम उनको स्टेट यूनिवर्सिटीज। और आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ जो जिनको यूजीसी का प्रमाण मिल चुका होता है उनको हम डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज कहते हैं। और कुछ ऑटोनोमस कॉलेजेस होते हैं जो यू नो अपने आप ऑटोनोमी में चलते हैं। सो आगे बढ़ते सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंट्रल एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू बनी थी। ये यूजुअली मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंदर होती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए अभी जो एग्जाम होता है आप सबको पता है उसको हम CUET कहते हैं। आसाम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, सिक्किम यूनिवर्सिटी, AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्पल्स हैं जिनका एग्जाम CUET के थ्रू लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज क्या है। ये वो यूनिवर्सिटीज होती हैं जिसको UGC अप्रूव्ड तो है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अप्रूव किया है, मतलब ये अच्छी है राइट। बट ना तो इनको सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पैसा देता है ना स्टेट गवर्नमेंट, ये अपने आप ही अपना शो रन करती हैं राइट। तो ये जो होती है दे स्ट्रिक्टली अडेयर टू UGC के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, इनकी इंस्पेक्शंस भी होती हैं बट इनको कोई एड नहीं मिलता, इसीलिए इनकी जो फीस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जो यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट पैसे देती है उनको कहा जाता है स्टेट यूनिवर्सिटी। स्टेट गवर्नमेंट जिनको पैसे देगी वो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज कहलाएंगी, जिनको कहीं से पैसा नहीं मिलेगा वो आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। अब आते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी या जो डीम्ड होने वाली है राइट वो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है। ये एक ऐसे इंस्टीट्यूट है अदर देन यूनिवर्सिटी, इनका स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है बिकॉज ये अपना करिकुलम खुद डिजाइन करती है, ये अपने कोर्सेज खुद डिजाइन करती है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी मतलब ये एक तरह से दे आर लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर लाइक इनकी इनकी डिग्री का मान्यता ज्यादा होती है। सो डीम्ड यूनिवर्सिटीज आर मच बेटर देन गोइंग टू अ सिंपल प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो मेडिकल करने के लिए क्योंकि इनकी जो डिग्री होती है इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होता है, इनके पास बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, इनको ग्रांट्स मिलते हैं राइट। तो ये बहुत बेटर होती है देन जस्ट एनी प्राइवेट कॉलेज। तो अगर आपको MBBS करना है इट इज मच बेटर देन गोइंग टू अ डीम्ड यूनिवर्सिटी रादर देन गोइंग टू अ प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज बीच में बंद हो सकता है, प्राइवेट कॉलेज में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है बट डीम्ड यूनिवर्सिटी के पास कैश प्रॉब्लम्स भी नहीं होती। तो मैं आपको स्टेट वाइज बताती हूँ। आंध्र प्रदेश में गीतम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, इसका क्लोजिंग रैंक ये देखिए, क्लोजिंग मार्क्स बहुत कम स्कोर पे भी कई बच्चे कहते हैं मेरा 100 से कम आ रहा है राइट। पर ये देखिए हमदर्द इंस्टीट्यूट दिल्ली डीम्ड यूनिवर्सिटी है पर स्कोर इसका 569 था। बड़ोदा में 306 पे भी सीट मिली हुई है, हरियाणा में MMU में 256 पे भी सीट मिली है, झारखंड में 459 पे, मणिपुर टाटा मेडिकल कॉलेज क्योंकि टाटा के साथ स्पॉन्सरशिप में तो ऑब्वियसली ज्यादा बढ़ गया होगा। कर्नाटका में बेलगांव में बहुत अच्छा कॉलेज है, 414 पे JNMC पे भी सीट मिली है राइट। नाउ आपको हुबली में 433 में भी सीट मिली है। तो ऐसे में आपको सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी के सीट्स दिखा दी। JSS मैसूर में 411 पे सीट मिली है, मैंगलोर में KS Hegde 413 पे सीट मिली है, KMC मणिपाल वेरी वेरी गुड 529 पे सीट मिली है राइट। मैंगलोर में भी है, मणिपाल में भी है, बैंगलोर में राजराजेश्वरी में 253
यूनिवर्सिटी पे सीट मिली है, कर्नाटका में 318 में, विजयपुरा, कोलार, तो कर्नाटका में तो बहुत सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, तुमकुर, मैंगलोर, केरला में कोची है, महाराष्ट्र में सांगली है, पुणे है, नागपुर है, पुणे है, लगभग 200 तक भी सीट मिली है, पर तो ओनली थिंग इज बेटा इनकी फीस होती है लगभग 15-16 लाख रुपए। सो अगर किसी को उतना या तो स्कोप है, अदरवाइज इट इज बेटर कि आप एक साल ड्रॉप कर लो और अगले साल फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ही ट्राई कीजिए। डी वाई पाटिल इज वेरी वेरी गुड, बट फीस इज अराउंड 18 लाख, 306 रैंक पे भी आपको सीट मिली हुई है। वर्धा में है जवाहरलाल नेहरू, 227, बहुत अच्छा कॉलेज है वर्धा वाला भी। कृष्णा इंस्टीट्यूट करार में है 227 पे, औरंगाबाद, मुंबई, नवी मुंबई, लोनी, पूना, तो हर स्टेट में ऐसे हैं। और आप देखिए 250-300 में बहुत ईजिली आपको सीट मिलने का चांस है। भुवनेश्वर के कॉलेजेस हैं, पौंडीचेरी में है, राइट, पौंडीचेरी में तो दो कॉलेजेस है, देखिए इनफैक्ट 4 कॉलेजेस है पौंडीचेरी में, चेन्नई में है, तमिलनाडु, सो यहाँ पर देखिए कईयों में तो 110-120। सो कई बच्चे जिनको स्कोर अच्छा नहीं आया है, बट जिन बच्चों के पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, कांचीपुरम, एनथूर, कांचीपुरम, यस, देखिए चेन्नई में कितने कॉलेजेस हैं, वो डेफिनेटली इन कॉलेजेस में जा सकते हैं। इनमें से कुछ कॉलेजेस जो पुराने हैं, पेशेंट इनफ्लो अच्छा है, वो हाई रैंक्स पे जाते हैं, बाकी कुछ विद इन 100 भी आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी प्राइवेट कॉलेजेस में सीट जो है वो मिल सकती है। बट यू नो प्रॉब्लम कहाँ आता है, 46 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जो नीट यूजी के स्कोर पर एमबीबीएस के कोर्सेस ऑफर करते हैं। प्रॉब्लम आती है इनकी फीस में, अभी वही मैं आपको डिटेल में दिखाती हूँ, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है कि यार इनकी फीस बहुत हाई है, राइट एवरीबॉडी, ये कोशिश भी कर रहे हैं कि अपनी सीट्स को बढ़ा दें जिसकी वजह से फीस थोड़ी कम कर सकें, बट मेन प्रॉब्लम इज फीस स्ट्रक्चर इज ह्यूज। तो लगभग दिल्ली का जो हम करते देखिए 12 लाख, राइट, आपका बीके शाह में 16 लाख, एमएम इंस्टीट्यूट मौलाना में 15 लाख, ये एनुअल है एक साल का, दैट मीन्स ऑन एन एवरेज 85-90 लाख रुपीज आपको आराम से जो है वो लग जाएंगे, राइट एवरीबॉडी। तो देखिए ये लगभग आपको एडमिशन पे ये एनुअल फीस देनी है, इट इज नियरली एवरी ईयर यू हैव टू बी 15-16 लाख रुपीज। ये न कोया है, अमृता इंस्टीट्यूट कोची है, डीवी भारतीय विद्यापीठ है, तुमकुर के, अच्छा देवराज वेरी गुड कॉलेजेस, कोलार में वेरी नाइस कॉलेजेस, पुराने हैं 25-25-30-30 साल पुराने कॉलेजेस हैं, नए कॉलेजेस हैं, डीवाई पाटिल मुंबई, डीवाई पाटिल पूना, पर डीवाई पाटिल का तो इतना नाम है, इट्स अ वेरी, जो पुणे के बच्चे, इट्स अ वेरी रेनाउंड कॉलेज, बट फीस इज 25 लाख। एमजीएम इज वेरी गुड, वेरी रेनाउंड कॉलेज, 20 लाख फीस। कस्तूरबा देखिए 13-14 लाख रुपए फीस, एंड दिस इज फॉर वन ईयर, फॉर वन ईयर। भुवनेश्वर के कॉलेजेस में देखिए 17-18 लाख रुपीज आपकी फीस है। तो ये बेटा अगर आप करो, इट टचेस नियरली 1 CR, बहुत एक्सपेंसिव है। तो इस लेक्चर के थ्रू मैं तो आपको यही बताऊंगी, देखिए 25 लाख 22 लाख, यार मैं ऐसा कभी अफोर्ड नहीं कर पाई। आई डोंट नो यूट्यूब पे जो बच्चा देख रहा है क्या वो 25 लाख रुपए फीस दे पाएगा या नहीं, दैट इज वाई हमारी क्लासेस चलती है, वेदांतों के पेड बैचेस चलते हैं। वानी मैम की आप शाम को क्लासेस लगा कर तो देखो, आप देखिए मैं आपको कितने डेप्थ में, कितने डिटेल में पढ़ा रही हूँ। सो प्लीज इंश्योर कि आप एक साल ड्रॉप कर लो, बिकॉज दिस इज अनअफोर्डेबल फॉर मेजोरिटी ऑफ अस, ये अफोर्ड करना इम्पॉसिबल है, इतनी फीस को अफोर्ड कर पाना। तो इसीलिए आप इंश्योर कीजिए कि आप एक साल अच्छे से पढ़ लो और अपना स्कोर 650 के आसपास ले आओ, सो दैट यू आर एबल टू यू नो गेट अ फ्री सीट। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, रोज शाम की क्लासेस लगाइए, नए फिजिक्स टीचर आने वाले हैं, उसके अनाउंसमेंट मैं बहुत जल्द करने वाली हूँ, राइट। टेक केयर बच्चों, लॉट्स ऑफ लव, एंड रिमेंबर नथिंग इज इम्पॉसिबल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, गूगल शीट होगी, वहाँ मेरे रोज के लेक्चर्स और डीपीपीज मिलेंगे, टेलीग्राम का लिंक होगा कॉमेंट सेक्शन पे, प्लीज इंश्योर कीजिए आप हमारी क्लासेस रोज लगा देंगे। Take care. Bye.